नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव का बिगुल इस समय बज चुका है, हर जुबान पर, हर गली में और हर शहर में, ट्विटर से लेकर फेसबुक पर, हर जगह मैं हूं चौकीदार का नारा लग रहा है। इस वक्त हम 29 डी में खड़े हैं। आइए बात करते हैं जनता से। सर, पहले सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मोहिंदर सिंह। हर कोई अपने नाम के आगे ये लिख रहा है कि मैं हूँ चौकीदार। तो सर, मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप भी देश के चौकीदार हैं। बिल्कुल, मैं चौकीदार हूँ देश का। सर, क्यों हूँ आप चौकीदार और क्या आप बताएंगे थोड़ा हमारी जनता को? मोदी ने जो करके दिखाया, किसी ने नहीं करके दिखाया 70 साल में। ऐसा निडर प्रधानमंत्री देश को मिलेगा नहीं। इंदिरा जी के बाद दूसरा नंबर नरेंद्र मोदी का ही जाता है। जो पुलवामा में जो हुआ है, जो मोदी ने किया, वो कोई कर नहीं सकता। सर, बताया जा रहा है कि मोदी जी ने, कईयों ने आरोप लगाया मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी ने करवाया है ये, तो सर उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? वो गलत है। लोगों का कहना है, विपक्ष का काम जो होता है वो बुराइयां करना होता है। मोदी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, और मैं यही कहना चाहूँगा। खानदानी हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का ही राज्य है, कांग्रेस की सरकार आएगी और जाएंगे आएगी और वो अपना अच्छा करेंगे। जो कांग्रेस जड़ बना गई है वही मोदी उसके ऊपर चल रहे हैं, तो आज देखते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो ये जो रेप वगैरह हो रहे हैं, क्या ये कम हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे कि होंगे ही नहीं? नहीं होंगे ही नहीं, तो ये तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन कम हो जाएगा। गारंटी तो कोई ना मोदी ले सकते हैं, ना आप ले सकते हैं, ना कोई कांग्रेस, लेकिन कम हो जाएंगे। ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि रेप वगैरह कम हो, हमारी लड़कियां, हमारी बहनें सुरक्षित रहें। ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है, देश का तरक्की हो, हर व्यक्ति चाहता है। तो तरक्की हो रही है ये नहीं, परंतु वो तरक्की ऑलरेडी न्यू पहले कांग्रेस रख गई है, उसी पे ईंटें जमाई जा रही है, तो उसको कहा जा रहा तरक्की हो रही। तरक्की कांग्रेस ने ही किया, कांग्रेस बीच में रह गई तो भाजपा के आ गए, 5 साल 4 साल कर लिया। और ये कुदरत का वो है, सत्ता बदलती है, नियत बदलती है, नीत बदलती है। हर किसी ने अपने नाम के आगे मैं हूं चौकीदार देखा हुआ है, इसके बारे में आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं? ये जो मतलब चौकीदार का मतलब है वो सही है, ठीक है। और मोदी के सरकार बनने पे हमारे लिए बहुत लाभ हुआ कि हमारे बिहार में झोपड़े थे, ठीक, झोपड़े के अलावा इस टाइम वो मकान भी बन गया है और लेटरिन भी बन गया है और सुरक्षा भी सही है और वहाँ पे कोई मार झगड़ा नहीं होता है और सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही लग रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जैसे बने हैं तब से मतलब सब कुछ सही लग रहा है मेरे को, मेरे ख्याल मोदी प्रधानमंत्री बने। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि आप भी देश के चौकीदार हो? हाँ, एकदम चौकीदार हूँ। अभी तक कर्तव्य साहब को कांग्रेस ने किया है, चंद दिनों के लिए मोदी आया है, ठीक है, डेढ़ साल में सफर आ गया, ठीक है, ठीक है जी। गरीबों के लिए कांग्रेस है जी, तो मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, तो ज़्यादा बांटती है भाई, जब इलेक्शन आया था बांटती है, पहले क्या किया 4 साल। अच्छा, तो उससे पहले कांग्रेस क्या करती आई है? सब कुछ मोदी से करते हैं, सब कुछ काम किया, सब कुछ दिया है। चुनाव आने वाले हैं, वोट किसको डालेंगे? मोदी को। क्यों डालेंगे? क्योंकि कांग्रेस को डाल के तो कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। कांग्रेस को पहले वोट मतलब डाल चुके हैं, बिल्कुल डाल चुके हैं। तो इस बार कैसे ख्याल बदल गया कि मोदी को वोट डालें? नहीं, लास्ट टाइम मैंने मोदी को डाली थी और इस टाइम भी मोदी को ही डालूंगा। एक ट्रेंड चल रहा है, मैं भी चौकीदार जी। तो आप चौकीदार हैं? बिल्कुल सर जी। आपके लिए अभी तक क्या किया है जो आपको महसूस हो कि ठीक है ये मेरे लिए किया गया? मेरे लिए कुछ नहीं किया, बट देश के लिए हो रहा है, देश के लिए क्या? जो हमें दिख नहीं रहा। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है ऐसा जो हमारी सिक्योरिटी काफी टाइट हो चुकी है जो बॉर्डर वगैरह पे, तो बाकी जो वो कर रहे हैं अपनी तरफ से वो तो सिक्योरिटी उन्होंने कर दी, जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। आप वोट किसको डालते हैं? अच्छा उम्मीदवार दे, अच्छा उम्मीदवार आपकी नजर में, पार्टी देख के कम डालते हैं, पार्टी देख के कम डालते हैं, किस तरीके से डालते हैं? कि सबसे बड़ा तो ये कि उसकी इमेज कितनी ईमानदार की है, छवि कैसी है, छवि कैसी है। अभी इतने सालों से आप किसको वोट डालते हैं? ज़्यादा तो बीजेपी को डालते हैं, कांग्रेस को भी कई बार डाली, कई बार अकालियों को भी डाली, जैसे पंजाब में अकाली है, उम्मीदवार देख के ज़्यादा। तो इस बार आपको कौन लगता है?
चंडीगढ़ में या ओवरऑल? ओवरऑल मुझे लगता है कि भाजपा आ ही जाएगी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? लेकिन जुमलेबाज हैं थोड़े से, जुमलेबाज लोगों को भ्रमजाल में डालते हैं। वादे बहुत किए, वादे बहुत किए, पूरे कम हुए, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बाकियों से अच्छे हैं। अच्छे हैं, ऐसी इमेज उनकी ऐसी है कि काम कम किए पर फिर भी दूसरों से अच्छे हैं। सीटें चाहे 40-50 कम हो जाएं, लेकिन भाजपा की आ जाएगी सरकार, ऐसा मुझे लगता है। तो चंडीगढ़ में कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है? चंडीगढ़ में तो किरण खेर अच्छा काम किया है, और उनके अलावा बंसल है, पुराने कांग्रेस दिग्गज है, उनकी भी छवि ठीक है। आपको क्या लगता है, अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा देखने को मिले, कुछ सरप्राइज? ऐसा कुछ पक्का नहीं, लेकिन किरण खेर की भी ठीक है छवि, उन्होंने काम किए हैं, लोगों से मिलती जुलती रहती हैं। तो बंसल साहब ने भी पीछे काफ़ी अच्छे काम किए। तो अभी आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ के लिए किरण खेर जी ने अभी तक इन 4 सालों में क्या किया? गरीब जनता के लिए मिलती रहती है, काम किए उन्होंने। किस तरह के जैसे जो कोई जाके कोई समस्या अपनी रखता है उनके पास, तो वो सुनती हैं, अगर करने वाली होती है तो कहते साफ बोल देती हैं कि ये नहीं हो सकता, गलत है तो गलत है। स्पष्टवादी हैं थोड़ी, लोगों को बुरा भी लगता है इस कारण, लेकिन अगर करने वाला है तो अपनी क्षमता के अनुसार करवा भी देती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।